आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा के थाना अदमातपुर क्षेत्र में कॉलेज से वापस घर जा रही छात्रा के साथ ऑटो सवार तीन युवकों ने अगवा कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार देर रात तीन अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिरोजाबाद के टूडला निवासी एक युवती आगरा के एतमादौला क्षेत्र के एक कॉलेज में बीकॉम की छात्रा है। छात्रा के मुताबिक उसको रविवार को कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कॉलेज बंद था, जिसके बाद छात्रा अपने रिश्तेदार के यहाँ फतेहाबाद रोड चली गई। छात्रा दोपहर में रामबाग चौराहे से टूडला वापस घर जा रही थी कि तभी ऑटो सवार तीन युवकों ने युवती को अगवा कर लिया। एतमादपुर के बुढ़िया का ताल के समीप तीनों युवक छात्रा को बीढ़ में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपियों द्वारा वीडियो भी बनाई गई। कल दिनांक 6 मार्च 2022 को थाना एतमादपुर पर पीड़िता द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर में बताया गया है कि उनके जो कुबेरपुर से टूंडला मार्ग है, इस पर दो व्यक्ति और एक तीसरा अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। तत्काल उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जो दो अभियुक्तों के नाम बताए गए हैं, उन दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद छात्रा को थाना टूंडला क्षेत्र में छोड़कर युवक भाग खड़े हुए। जब छात्रा घर पहुंची तो उसने परिवारी जनों को आपबीती बताई, थाना टूंडला पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना टूंडला पुलिस एतमादपुर के बुढ़िया ताल पहुंची। सूचना पर एसपी देहात आगरा सत्यजीत गुप्ता भी पहुंच गए। छात्रा की तहरीर पर देर रात थाना एतमादपुर में तीन अज्ञात युवकों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं शक के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सी न्यूज़ के लिए आजाद सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट।